दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा HR-V इंडिया में, जहां आपको होंडा एलिवेट ऑफर की गई है। आज मैं आपके सामने होंडा HR-V लेके आया हूं, लेकिन पिछली वीडियो की तरह यहां पर टर्बो मॉडल नहीं है, ये इसका एक तरीके से स्टार्टिंग मॉडल है, जहां पर आपको नॉन टर्बो इंजन जो इंडिया में आपको होंडा सिटी और होंडा एलिवेट दे रही है वो इंजन आपके सामने पेश करता हूं। किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है और क्या इसकी प्राइसिंग है वो आपको समझाते हैं। आप दोस्तों, आपकी ऑल न्यू HR-V होंडा की एक प्रीमियम मिड साइज SUV है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी को बजट के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि अच्छे खासे फीचर्स को यहाँ पर गायब किया गया है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़, एक ऐसा इंजन ऑफर किया गया जो कि थोड़ा सस्ता है, यानी कि होंडा सिटी वाला ही इंजन यहाँ पर ऑफर किया गया है। कहीं ना कहीं जो सबसे कम पावर इस HR-V के साथ आपको कहीं देखने को मिलेगी वो इसी इंजन के साथ मिलने वाली है। उसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन आप नोटिस कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा नई चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, गाड़ी में जो कलर स्कीम आपके सामने है ना, ये कलर थोड़ा नया है और कहीं ना कहीं इंडिया में आज तक ऐसा कलर आपने देखने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन ये जाना पहचाना नाम आपको सुनाई देगा जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सैंड खाकी पॉल कलर ऑप्शन। बाकी चलिए फिर यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आपकी ऑल न्यू होंडा HR-V आखिर में देना क्या चाह रही है और क्यों होंडा को एक नया इंजन इस गाड़ी के साथ उतारना पड़ा। और इस गाड़ी की असली पहचान इसके RS मॉडल और इसके टर्बो इंजन के साथ है, लेकिन कुछ ऐसी मार्केट्स भी होंडा के सामने हैं कि जहाँ पर नॉन टर्बो इंजन से इसकी प्राइस को कम रख के इस मार्केट में अच्छी तरीके से वो पकड़ बना पा रही है। देख लेते हैं क्या कुछ, और कहीं ना कहीं होंडा एलिवेट जो आपको इंडिया में इंजन दे रही है वही सेम इंजन है, तो वो भी समझ में आएगा कि भाई कितना डिफरेंस प्राइसिंग में अब जाके बैठ रहा है। क्योंकि हम ना टर्बो इंजन के साथ जो इनका नॉन टर्बो इंजन है जो एलिवेट में मिल रहा है उसको कंपेयर कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि HR-V बहुत ही महंगी है, जो कि गलत हम कर रहे थे। हमें क्या करना चाहिए, जो नॉन टर्बो HR-V है उसी को जो आपकी एलिवेट में नॉन टर्बो इंजन है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए, तो फाइनल वैल्यू आपको पता चलेगी। देखिए फिर गाड़ी में क्या है। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात आप करेंगे तो यहाँ पर जो HR-V है वो फाइनल लुक में आपके सामने है। ये गाड़ी में क्या खास है ना, इसमें कलर ऑप्शन थोड़ा यूनिक आपको लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं RS मॉडल नहीं है तो थोड़ा सा क्रोम भी आपको कम दिखाई दे रहा होगा, और एक जो थोड़ा सा ना नॉर्मल गाड़ी वाला लुक इस गाड़ी में अब आने लग गया है। जो आप फ्रंट में ग्रिल देखेंगे ये भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस करिए, इंडिया में जो आपको किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के साथ ऑलिव शेड मिल रहा है, उसी के अलावा कहीं ना कहीं जो आपको मारुति ब्रेज़ा के साथ खाकी टोन मिलती है, तो ये टोन कहीं ना कहीं उन्हीं से मिलती जुलती आपको फील होगी। और इसका नाम भी एक तरीके से मैं सैंड खाकी पॉल कलर ऑप्शन देख पाया। बाकी देखिए कलर चॉइस तो आपकी सब्जेक्टिव है, आपको कुछ भी पसंद आ सकता है। डिज़ाइन को एक बार देख लो क्या मिल रहा है। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको किस तरीके के हेडलैम्प्स मिलते हैं, फुल LED आपको DRL सेटअप के साथ हेडलैम्प्स मिलेंगे। उसके अलावा होंडा सेंसिंग आपको उसमें ADAS की तरह मिलती है, लेकिन कोई भी डॉपलर सेंसर होंडा देता नहीं है, तो ऊपर आपको जो लेन वॉच फंक्शन है वो काम हो जाएगा यहाँ से लेन कैमरे की मदद से। उसके अलावा गाड़ी में फ्रंट का लुक इस प्रकार है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉग लैंप है उसको बढ़िया तरीके से छुपाया जाता है, और फॉग लैंप कह लीजिए, DRL कह लीजिए, या फिर यही टर्न इंडिकेटर का काम भी कर देता है। टोइंग हुक के लिए यहाँ पर इसमें कवर दिया गया है। और साइड से देखेंगे गाड़ी की लंबाई आ जाती है 4365 mm, क्योंकि ये RS मॉडल नहीं है तो इसका बम्पर थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए 20 mm के आसपास इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं सेम टू सेम है जो आपको सेल्टॉस में मिल रही है या फिर टोयोटा हाइराइडर के साथ मिल रही है। बाकी अलॉय के साइज़ की बात करें तो अलॉय इसमें वही लग रहा है मुझे जो टॉप एंड मॉडल में मिल रहा है। ब्रिजस्टोन का टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका साइज़ भी देखिए 18 इंच का अलॉय है, 225/50 रेडियल 18, तो 18 इंच का अलॉय के साथ ये लुक आता है गाड़ी का। साइड में क्लैटिंग आपको मैट प्लास्टिक के साथ मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे OBM आपको देखने को मिलेगा जो कि इस प्रकार टर्न इंडिकेटर के साथ है। उसी के साथ इस साइड आपको लेन फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पर भी कोई कटौती नहीं की गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मूनरूफ का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप ऊपर से देखेंगे ये ग्लास यहाँ पर मूव नहीं करता है, फिक्स टाइप रहने वाला है। बस जो अंदर आपको कवरिंग है वो हटाने और लगाने की एक आज़ादी मिल जाती है। पीछे का जो यहाँ पर आपको सारा का सारा डोर हैंडल सेटअप है वो भी टॉप एंड मॉडल की तरह ही रखा गया है। अब जो होंडा HR-V की अपनी पहचान है ना, वो इसका रियल लुक ही है। जो अगर आप यूरोप में देखेंगे जो इसकी न्यू जनरेशन आई है, वहाँ पर भी ज़्यादा रियर में चेंजेस नहीं है, फ्रंट में अपडेट आए हुए हैं। इसकी देखिए पीछे जो कनेक्टिंग टेल लैम्प आती है किस प्रकार दिखाई देती है, तो ये इसकी पूरी की पूरी टेल लैम्प का सेटअप आपके सामने आ जाता है, जिसमें अच्छी दिखाई देती है और प्यारा लुक आता है। और ये एग्जैक्टली आप इस गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं, पीछे से गाड़ी थोड़ी सी एक क्रॉसओवर वाला लुक देती है, हल्का सा कूपे लुक है। सिंगल आपको मफलर दिया गया है, जो टर्बो मॉडल है उसमें आपको दो दो मफलर मिलते हैं, तो वो भी कॉस्ट में थोड़ी कटौती करवा पाते हैं। साथ ही टायर की प्रोफाइल अच्छी है, 225 mm चौड़ाई का टायर मिलता है, जिससे काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रोड प्रेजेंस बन जाती है गाड़ी की। 195 mm का इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रियर कैमरा, बस गाड़ी में जो पावर टेलगेट है जो उसमें मिलता है वो इसमें नहीं है, लेकिन अच्छे खासे यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड दिए गए, जिसकी मदद से गाड़ी बड़े आसानी से, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और अपना बूट आपके लिए ओपन करती है। अंदर आपको 8 इंच की स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पर है। उसके अलावा गाड़ी का साइज़ यहाँ पर
बूट को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, काफ़ी फ्लैट आपको यहाँ पर बूट देखने को मिलेगा। और जो आप मूनरूफ में अंदर यहाँ कवरिंग लगाएंगे वो इस तरीके से दिखाई देती है, थोड़ा सा इनके आर पार दिखता है धूप अगर ज़्यादा है तो। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का आपको अलॉय भी ऑफर किया गया है, यही 18 इंच का अलॉय जो मेन गाड़ी के साथ आ रहा है। 4060 का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपको फैब्रिक सीटिंग मिलेगी, कहीं कहीं पर लेदरेट भी है, कहीं कहीं पर फैब्रिक है, तो ये भी 4-5 लाख रुपये जो कस्टमर के बच रहे हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों से बच रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस यही है टर्बो के साथ, वहाँ पर आपको 175 हॉर्स पावर 240 Nm का टॉर्क, और अगर आप नॉन टर्बो जा रहे हैं सेम होंडा सिटी एलिवेट की तरह 121 हॉर्स पावर और कहीं ना कहीं 145 Nm का टॉर्क मिलेगा। दोनों में ही आपको CVT का ऑप्शन रहता है, कुछ मार्केट्स में DCT का ऑप्शन है, कहीं कहीं पर आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है, तो वो मार्केट टू मार्केट है। इंडिया में होंडा देखिए क्या करती है इस गाड़ी के साथ, थोड़ा अंदर और देखते हैं क्या कुछ है बाकी। इस प्रकार आपको क्लाइडिंग मिलेगी गाड़ी का, रियर का स्टांस आपने देखा मैनुअली ही आपको इसको बंद करना होगा, और HRV में टर्बो RS के साथ थोड़ा सा ये सहूलियत रहती है कि आप उसको बटन की मदद से बंद कर पाए। बाकी पीछे वॉशर वाइपर डिफॉगर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा ये सनरूफ का ऑप्शन है, वाइपर थोड़ा सा यहाँ पर फ्लिमसी फील हो रहा है मुझे, हल्का सा लाइट है। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो होंडा सिटी वाला ही प्लेटफॉर्म है, उसी को मॉडिफाई किया गया है, और होंडा फैमिली में इसको ऑफिशियली जाना जाता है AS बॉडी स्ट्रक्चर के नाम से, यानी कि एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसके हिसाब से कंपैटिबल करके वैसे ही इंजीनियरिंग करके इस प्लेटफॉर्म को उतार दिया जाता है, वो अच्छी बात है। सेफ्टी 5 स्टार की NCAP रेटिंग काफ़ी मार्केट्स में लाई हुई है, कहीं पर भी सेफ्टी कंसर्न नहीं है इस प्लेटफॉर्म के साथ। जिस तरीके से इंडिया में आपको होंडा सिटी बहुत सेफ लगती है, आपकी जो एलिवेट है उसमें भी प्लेटफॉर्म सेफ है, लेकिन अभी टेस्ट नहीं किया गया, होंडा ने खुद इंटरनली टेस्ट करा और ये डाटा सामने आ रहा है कि सेफ प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इस साइड देखेंगे फ्रंट में भी थोड़ा सा जाना पहचानी क्लाइडिंग वाला पार्ट रखा गया है, और कहीं ना कहीं जो सिल्वर एलिमेंट घुसाए गए हैं अच्छा दिख रहा है इसके साथ, थोड़ा सा ब्लैक क्लाइडिंग और वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ्रंट का लुक ना अलग पहचान में आ रहा है। और ये कलर ऑप्शन कैसा लगा आपको, सैंड खाकी पर्ल कलर ऑप्शन है, पास से देखेंगे आपको पर्ल दिखेगा, थोड़ा दूर से देखेंगे तो वो जो एक तरीके से ना पेस्टल ब्राउन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। डुअल टोन है तो रूफ आपको यहाँ पर ब्लैक के साथ मिलती है। अंदर चलते हैं गाड़ी के और किस तरीके की फंक्शन है, क्योंकि लेन वॉच कैमरा ADAS फंक्शन Level 2 वो चीज़ें अंदर भी थोड़ी और आइडिया लगेगा, और जो फैब्रिक सीटिंग है उसमें क्या कटौती की गई है वो देखते हैं। बाकी थोड़े से ना कलर यूनिक है तो लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के इस गाड़ी को, और हर कोई चाह रहा है कि क्यों ना इसी गाड़ी को ले लिया जाए। अब इंडिया में हमें गाड़ी मिलती तो हम लेते ज़रूर, लेकिन ये थोड़ी सी ना प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है। दरवाज़ा खोल के आपको पता चलेगा, अंदर का डैशबोर्ड देख के आप आइडिया लगा लेंगे कि आप कुछ कहानी है। तो ये देखिए इसके अंदर का डैशबोर्ड किस तरीके का दिखाई देता है। डैशबोर्ड में मैं देख रहा हूँ कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, और प्रॉपर वही चीज़ जो टॉप एंड मॉडल टर्बो RS में आती है वही चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे सेमी सॉफ्ट टच है, ये भी सेमी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, पियानो फिनिश यहाँ रखी गई है। इस साइड देखेंगे स्पीकर ग्रिल, ट्यूटर्स का प्लेसमेंट नहीं है, इसी में कोच जली इसको माउंट किया गया। इस साइड देखेंगे यहाँ पर आपको लेदरेट के साथ फैब्रिक का ऑप्शन, और अच्छी खासी कुशनिंग इसमें भी है, और काफ़ी अच्छी मतलब अर्थात सपोर्ट भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हेड रेस्ट आपको थोड़े से लो ग्रेड के मिलेंगे जो टॉप एंड मॉडल है उसके मुकाबले, और यहाँ पर ऐसे तरीके से आपको डिज़ाइन मिलता है। ये है फिर गाड़ी के अंदर का लोग, बैठ के देखते हैं। बाकी टॉप एंड मॉडल में ना IRVM आपको यहाँ पर डे नाइट फंक्शन ही देता है, और मैनुअली करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक फंक्शन हो। इस साइड देखेंगे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ये कुछ मिलने वाला है। ये रही फिर गाड़ी, बैठ के देखते हैं इसके अंदर, और ऑटोमेटिक के साथ है CVT तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन देता है। बाकी उसके अलावा ना आपका एक डाउट और क्लियर करता हूँ, उसको 2 बार आपको खींचना पड़ता है कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि होंडा सिटी वाला इंजन है तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। लैच को आपको इसको लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना पड़ता है होंडा की गाड़ी में ज़्यादातर। यहाँ पर ये इसका 4 सिलेंडर का इंजन है, ये इसका मैनिफोल्ड, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसकी इग्निशन कॉइल, क्योंकि नॉन टर्बो इंजन है तो कोई भी टर्बो चार्जर पीछे आपको नहीं मिलेगा। ये इसका सारा आप एयर फिल्टर देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्स है, बैटरी है, यहाँ पर ABS का मॉडरेटर है, प्रॉपर नीचे कवरिंग नहीं है, ओपन है थोड़ा सा, तो धूल मिट्टी थोड़ा जल्दी जम सकती है इंजन में, तो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं रहेगा ये। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का आपको साउंड इंसुलेशन रहेगा, बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा। इस साइड देखेंगे प्रॉपर क्लाइडिंग वाली चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की गई है, इसको देख के पहचान गए होंगे आप होंडा एलिवेट और जो होंडा सिटी है यही प्लेटफॉर्म आपको देती है। बाकी बंद करेंगे तो जो शर्ट लाइन्स है प्रॉपर दिखेगी आपको, इस तरीके से ये डिज़ाइन अपना देती है। पैनल गैप भी बिल्कुल प्रॉपर रखे गए, तो ये जो क्वालिटी है ना झलकती है। और इंडिया में अगर इस गाड़ी को एलिवेट के बगल में रखेंगे तो ये गाड़ी वैसे दिखने में छोटी है, लेकिन फिट ऑफ फिनिश और जो एक प्रीमियम अपील है गाड़ी का एलिवेट से ऊपर ही फील होता है मुझे। तो आप बताइए बाहर से गाड़ी कैसी लगी, अंदर आप चलते हैं सीधे बैठने के लिए, तो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं हम। ये कुछ आपने देखा कि किस प्रकार आपको स्टेयरिंग दिखाया जाता है, इंजन मैंने आपको दिखा दिया। इस साइड देखेंगे आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में सेमी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, ये सॉफ्ट टच रखा गया है, ये अगेन हार्ड टच है, उसके साथ ही यहाँ पर सॉफ्ट टच है। इस साइड मैंने आपको बताया कि आप कुछ है आप बैठे सीधे, तो
यहाँ पर जो अंदर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा इसका लोअर मॉडल है, क्योंकि जो डायल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो फुल डिजिटल क्लस्टर उसमें सेमी डिजिटल आता है उससे थोड़ा अलग है। उसके अलावा ADAS के फंक्शन प्रॉपर मिलेंगे आपको, ये कुछ सारे फंक्शंस है। साथ ही साथ स्टेयरिंग का डिज़ाइन देखें तो इस प्रकार आपको सर्कुलर डिज़ाइन में स्टेयरिंग मिल जाता है। और ये रही फिर पूरी गाड़ी, आपके सामने 8 इंच की स्क्रीन है। ये सारे फंक्शन आपको वही मिलेंगे जो उस मॉडल में मिल रहे हैं, यानी कि बेसिक सारे फंक्शन है होंडा सेंसिंग के साथ साथ ही यहाँ पर आपको सॉफ्ट रिलीज का फंक्शन है। गाड़ी में ना एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, वो एक मिसाउंड कह सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर जो मूनरूफ है वो आपको इस तरीके से कवरिंग के साथ मैनुअली ही हटानी होती, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन नहीं है इसको ओपन क्लोज करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये लेआउट के साथ आपको ये गाड़ी दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ना देख रहे हैं बाहर लाइट है तो अंदर आपको दिख रही है, तो धूपों में भी ये थोड़ा परेशान करेगी, एसी को ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइट के ऑप्शन है, IRVM आपको यहाँ पर मैनुअल मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक डे नाइट फंक्शन नहीं है। और बैठने में सारा सिस्टम देखे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस साइड रखा गया है, और AC आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर हजार्ड के फंक्शन, कुछ बेसिक कंट्रोल यहाँ हैं। उसके अलावा ना ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें कि यहाँ पर आपको फैब्रिक और लेदरेट के फंक्शन दिए गए तो उससे थोड़ा डिफरेंस आता है। साथ ही साथ एक एडिशनल चीज़, यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड मिल जाएगा, जो कि टर्बो इंजन के साथ इकोनॉमी मोड मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसको थोड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से रखा गया है। 175 हॉर्स पावर, 240 Nm का टॉर्क देना है उसने। इसमें आपको 121 हॉर्स पावर मिलेगी एक समान और 145 Nm का टॉर्क नॉर्मल मोड में। उसके साथ इकोनॉमी में थोड़ी सी पावर और टॉर्क कम होता है, होंडा डिस्क्लोज नहीं करता कितना मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी मोड है जिससे अच्छा माइलेज आपको मिले। साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पर डमी रखा गया है इसको, या फिर इसको यूज़ करने का, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के लिए है। ऑटो होल्ड का फंक्शन, कुछ आर्मरेस्ट यहाँ पर दी गई है, तो काम के फंक्शन तो सारे इसमें, सिर्फ वही है कि 4-5 लाख रुपये जो कम कॉस्ट कर रही है गाड़ी आपके सामने, वही एक इंजन की वजह से कुछ पीछे जो बूट है वो आपको नॉर्मल मिलेगा, पावर टेलगेट नहीं दिया गया है। उसके अलावा और यही है फिर कुल मिला के, स्टीयरिंग और जो इंटीरियर है उसमें हल्के फुल्के जो लेदरेट है वो कम दिया गया है। स्टीयरिंग में तो बराबर लेदरेट है, बस जो इंटीरियर है उसी में फैब्रिक के साथ ऑप्शन दिए गए, बाकी लेगरूम और इन चीज़ों में देखें तो यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, ठीक सा रखा गया सारा। सेकंड रो सीट्स में बैठ के देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कलाकारी है। ADAS फंक्शन में कोई मिसआउट नहीं है, तो सेफ्टी में गाड़ी बिल्कुल पास है यहाँ पर ये। और सेकंड रो सीट्स में आप आएंगे तो यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे, पीछे देखेंगे सीट्स का साइज़ और सारी कुशनिंग उतनी है, बस कहीं कहीं पर फैब्रिक डाल दिया, कहीं पर लेदरेट डाल दिया, तो इसमें भी एक कॉस्ट कटिंग वाला पार्ट है जिससे थोड़ा सा जो लोअर मॉडल है वो कम कॉस्ट में आपको दिया जा सके। ये हार्ड टच है, ये सेमी सॉफ्ट टच, हार्ड टच, ये सॉफ्ट टच के साथ है। और ये है इसका चढ़ना उतरने का पूरा अपर्चर, आगे वाला दरवाज़ा ज़्यादा खुलता है, पीछे वाला थोड़ा कम खोला जाता है। अंदर आएंगे तो ये कुछ इसका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, और यहाँ पर आपको इसकी मूनरूफ, इस साइड देखेंगे तो अभी लाइट काम कर रही है, देखिए सेंसर बेस सारी लाइट्स है इसकी, कोई बटन नहीं है, सिर्फ सेंसर दिया गया है। यहाँ पर आप चाहे तो जो अपना मूनरूफ है उसको कवर करने के लिए एडिशनली शेड यहाँ पर इन लॉक्स में फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी वैसा फंक्शन नहीं है कि आप यहाँ पर कोई सनरूफ को स्लाइड करें वो करें। लेगरूम वेगरूम काफ़ी सही है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई एक तरीके से काफ़ी अच्छी है, 4385 mm RS के साथ मिल जाती है, 4365 mm आपको नॉर्मल जो आपकी ये वाली मॉडल है उसमें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सही सा ऑप्शन है। हेडरूम वेडरूम भी देखें तो ठीक सा है, इस साइड देखें तो कुछ बॉटल ग्लेस स्पेस, और हल्का से इसको बंद करें तो ये आ जाती है। तो ये है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार, काफ़ी एक प्रीमियम और एक अप मार्केट फील देने के लिए तैयार है आपके सामने। पीछे भी देख रहा हूँ AC वेंट आपको यहाँ पर प्रॉपर रखा गया है, पीछे दो लोगों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस रखी गई है, तीसरा बंदा भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हम्प है तो वो थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। और यहाँ पर देखिए तो आपको एक आर्मरेस्ट मिलती है विद कप होल्डर्स, और पीछे पार्शल सेल्फ नहीं है यहाँ पर, या फिर शो के लिए निकाली गई है। उसके अलावा बीच में जो बंदा बैठेगा उसके लिए भी 3.8 सीट बेल्ट रहने वाली है। तो आप बताइए क्या ये मॉडल अगर इंडिया में आता आप इसको लेते, क्योंकि जिसका टॉप एंड मॉडल है ना जिसमें आपको टर्बो के साथ RS की बैजिंग मिल रही है वो आपको 29 लाख रुपए एक्स शोरूम का कॉस्ट कर रहा है। रेड रंग की गाड़ी मैंने बनाई हुई है, कहीं ना कहीं 175 हॉर्स पावर, 240 Nm का टॉर्क दे रहा है। ये गाड़ी में आपको वो सेम इंजन मिल रहा है जो आपको होंडा सिटी होंडा एलिवेट भी देती है, जो कि है 1.5 IV टेक डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, पावर बना रहा है 121 हॉर्स पावर और साथ में देता है 145 Nm का टॉर्क। पहले सिर्फ सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता था, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के साथ आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट देने लग गया 1.5 IV टेक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन। पावर 121 हॉर्स पावर गाड़ी के हिसाब से अच्छी है, कहीं ना कहीं जो लोग सेल्टोस का सिंपल पेट्रोल लेना चाहते थे उनके पास होंडा एलिवेट आने के बाद एक ऑप्शन आ गया कि भाई एक ऐसा पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो चार्ज नहीं है लेकिन काफ़ी फन टू नेचर है चलने में, और अच्छा और रिफाइंड भी है और फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी देता है। 121 हॉर्स पावर के साथ 145 Nm का टॉर्क भी दे जाता है।
अब प्राइसिंग में अभी भी मैं अगर कंपैरिजन करूं 29 लाख रुपए तो टर्बो और आरएस मॉडल की होगी, ठीक है, लेकिन यहां पर भी 4 लाख कम हो रहे हैं, तो 25 लाख रुपए की रेंज में अभी भी ये गाड़ी है। जहां पर अगर आप एलिवेट का टॉप एंड मॉडल भी लेंगे तो वो भी आपको 18 से लेके 20 लाख के रेंज में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये गाड़ी 5 लाख रुपए, वही सेम कहानी जो हैरियर और जीप कंपास के बीच में है कि कंपास कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये गाड़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से 5 लाख रुपए ज़्यादा मांग रही है, तो ये कंपास से भी ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई। ओवर प्राइस नहीं है, सिर्फ जो फीचर क्वालिटी प्लेटफॉर्म वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि इंडिया में कॉम्पिटिशन नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ होंडा देगा तो सेल्स पर इफेक्ट आएगा, इसीलिए होंडा इस गाड़ी को नहीं ला पाया, एलिवेट को ग्राउंड जीरो से बनाया, कहीं ना कहीं जो सिटी का प्लेटफॉर्म था उसी को यूज़ अप करके एक अच्छी शानदार गाड़ी इंडिया के हिसाब से उतार दी। आपकी और राय है इसके ऊपर, और उम्मीद है मुझे कि अगले 5 साल में कुछ ना कुछ HR-V या फिर इससे कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने उतारा जाए। मैं चाहूँगा कि होंडा अपनी CR-V को लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर 35 से 40 लाख का जो सेगमेंट है, अभी होंडा के पास ऐसा कोई सस्ता वाला कॉम्पिटिशन नहीं है। 200 है, वो भी प्रीमियम गाड़ी इंटरनेशनल स्पेक वाली है, उसके साथ बाकी जो कंपास है वो भी अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो आप बताइए गाड़ी कैसी लगी आपको, उसके अलावा और जो कलर ऑप्शन है सैंड और जो मैंने आपको खाकी पॉल कलर ऑप्शन दिखाया है, पसंद करेंगे आप? अब शो चल रहा है तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ा कर रहेगा, तो बीच बीच में अपडेट आपके सामने आते रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कुछ खास है इसके में वो अगर मुझसे मिस हुआ है तो कॉमेंट में बताइएगा। और क्या लगा आपको इस गाड़ी में जो इसका एक असली DNA है, कहाँ तक आपको एक अच्छी बाय समझ में आती है गाड़ी? बाकी देखिए, आप और मैं काफ़ी लंबे समय से होंडा HR-V का फॉलोअप ले रहे हैं, इसकी काफ़ी सीरीज़ मैंने बना दी है और हर बार कुछ ना कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कमेंट में बताइए आपको कैसी लगती है गाड़ी, क्या कुछ आपको उसमें पसंद आता है, क्या कुछ कमी है। वो सिंपल सी बात है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, साइज़ थोड़ा सा कम है और कॉम्पैक्ट फील होती है, अंदर उतनी खुली खुली नहीं रहेगी। तो आप रैंक करिए इस गाड़ी को, कैसी लगी आपको, पसंद आई तो 10 out of 10 दीजिएगा, 8 number 9 number, और बिल्कुल पसंद नहीं आई तो एक तरीके से आप कुछ भी रैंकिंग इसको दे दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ऑल न्यू होंडा HR-V। और अच्छी खासी भीड़ है होंडा के पवेलियन में, तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ाकर इतना आप मैनेज करिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ऑनलाइन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बहुत सारी लाइनअप आपके सामने कवर करते हैं, जितनी कवर हो पाएगी, उम्मीद है कि आपको सारी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। तो रैंक करना ज़रूर और कमेंट करके जाना, लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको आपकी ऑल न्यू होंडा HR-V, जिसका कलर का नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, सैंड खाकी पॉल कलर ऑप्शन, यानी कि थोड़ा सा बजरी से मिलता हुआ हल्का सा सैंड जो कि समुद्र के किनारे होती है, कहीं ना कहीं खाकी टोन भी है इसमें, और उसके अलावा जो पॉल का जो यहाँ पर टेंट डाला गया है वो इसके साथ है। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।